नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल नितिन खन्ना लीगल एक्सपो पे आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है चार्ज पे, कि चार्ज पे जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना होता है। ये वीडियो जो है यंगस्टर्स के लिए है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं उनको उनके लिए वीडियो इतना काम नहीं आएगा। जो बिल्कुल यंग एडवोकेट होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि चार्ज अगर फ्रेम होना है तो हमें क्या करना है, तो उनके लिए है ये। तो आज का अगर आपको ये वीडियो आप देखना चाहते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे फ्रेम होता है, और चार्ज फ्रेम जब हो जाता है तो उसके बाद अगर आप अक्यूज के काउंसल हैं तो आपने क्या करना है, तो फिर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आइए अपना वीडियो स्टार्ट। देखिए, जब चार्जशीट आपको अक्यूज्ड को मिल जाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स की कंप्लायंस हो जाती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल चुके हैं, तो उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल के अंदर आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज के ऊपर केस लग जाता है। अब आर्गुमेंट ऑफ चार्ज पे मेरा वीडियो नहीं है तो इसलिए मैं ज्यादा उस पर अभी नहीं जाऊंगा। अब मैं ये बताता हूं, जब आपने आर्गू कर दिया चार्ज पे तो उसके बाद कोर्ट या तो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देती है, आपके आर्गुमेंट्स मान लेती है और कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है, आपका क्लाइंट बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन अगर कोर्ट कहती है कि नहीं, अभी चार्ज लगना चाहिए, ट्रायल में आप अपने जो भी आपने आर्गुमेंट्स करी है प्रूव करें, तो उस केस के अंदर कोर्ट जो होता है चार्ज लगाती है, चार्ज फ्रेम करती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, एक सीआरपीसी के अंदर ही आपको पीछे मिल जाएगा कि कोर्ट चार्ज कैसे लगाती है। आइए आपको सबसे पहले मैं वही दिखा देता हूं कि चार्ज जो होता है वो कोर्ट कैसे लगाती है। पर पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं, हर ऑफेंस के लिए चार्जेस कोर्ट लगाती है, तो उसमें एक्सप्लेन करती है कोर्ट कि आपने मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है, इस डेट को किया, फलानी डेट को किया, जो कि पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन है। तो आइए आपको मैं पहले वो दिखाई देता हूं जो सीआरपीसी के अंदर पीछे जो चार्ट बना हुआ है, जो शेड्यूल जो फॉर्म है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि चार्ज एक्चुअली लगता कैसे है। आइए आपको दिखाऊं फॉर्म 32 चार्जेस, चार्जेस विद वन हेड, आई नेम ऑफ द ऑफिसर ऑफ मैजिस्ट्रेट, वो जज साहब जो भी होंगे वो अपना नाम लिखाएंगे, हेयर बाय चार्ज यू, उसके बाद नेम ऑफ द अक्यूज्ड आ जाएगा एज फॉलोज। अब ये तो एक सेक्शन, एक एग्जाम्पल दे रखा है 121, ये कोई भी सेक्शन हो सकता है, 124, 420, कुछ भी हो सकता है। ये चीज सिर्फ समझने के लिए कि चार्ज ऐसे ही फ्रेम होता है। अब इसको जरा देखते हैं, दैट यू ऑन और अबाउट सच एंड सच डे ऑफ एट डेट जो भी होगी वेज्ड वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी विद इन कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट and I hereby direct that you be tried by this court on the said charge, signature and seal of the magistrate। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो चार्ज फ्रेम कर देंगे जज साहब। अब इसके बाद आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ही नीचे लिखा होगा, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल। तो आपने जो चीज कर, तो आपने अगर कन्विक्शन नहीं करवानी तो आपने ये लिखना है कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल, बस इतना ही। अब ये दो या दो से ज्यादा चार्जेस का है वो आप एग्जांपल ये दे सकते हैं, पर लास्ट में करना वही है आपने, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल। तो दोस्तों, ये आपने फॉर्म 32 देखा जो कि सीआरपीसी के पीछे प्रोवाइडेड होता है। अब ये तो हो गया चार्ज लगता कैसे है, कोर्ट की ड्यूटी होती है ये चार्ज फ्रेम करना, तो कोर्ट ये अपने आप चार्ज फ्रेम कर देगी। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अक्यूज के पास। क्वेश्चन कोर्ट पूछती है वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर तो आप प्लीड गिल्टी कर देंगे तो अब आप कन्विक्शन हो जाएगी, आपका अक्यूज अगर है तो आपको कन्विक्शन हो जाएगी, अगर आप अक्यूज के काउंसिल हैं तो आपके क्लाइंट को अक्यूज को कन्विक्शन हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने कन्विक्शन नहीं करानी तो प्लीड गिल्टी ना करें, और यदि आपने बेसिक सा क्वेश्चन पूछा होता है तो उसमें आप सिंप्लीसिटर ये चीज लिख दबा दें कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल। इसका मतलब ये है कि मैं प्लीड गिल्टी नहीं करता और मैं ट्रायल को चाहता हूं कि ट्रायल मुकदमा ट्राई करा जाए, और मैं जो भी गवाहियां होगी उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, अपने भी गवाह दूंगा,
313 भी कराऊंगा और फाइनल आर्गुमेंट करके फिर मैं जो कोर्ट फैसला करेगी वो मैं मानूंगा। तो अपने आप को बचाने की कोशिश करी जाएगी। तो जब भी चार्ज फ्रेमिंग के लिए केस लगाओ तो कभी भी ये मत सोचे कि बहुत बड़ी चीज होनी है, सिर्फ एक मेजर जो होता है, बाकी सारा जज का काम होता है। जज ही जो होते हैं, जो लर्नेड जजेस होते हैं हमारे, वही चार्ज फ्रेम करते हैं। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल। तो उसमें आपने ये आंसर लिखवाना होता है, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल। बस आपके लिए इतना ही है बस। इसलिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे भी आप जाएं, अगर आप यंग काउंसिल हैं, बिना घबराहट के जाएं और सिर्फ इतनी सी एक चीज लिखवा दें तो आपका केस जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए लग जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।